once again after a long time. Welcome to the Kindle Lighthouse. आपका होस्ट मैं खोजा एक मर्तबा फिर आप लोगों के साथ हूँ. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी CSS 2020 के जो इम्तहानात हैं, एक फेज होती है, इसमें अब दो तीन कैटेगरीज के लोग होते हैं. इस फेज में पहले कैटेगरी के वो लोग होते हैं जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट होती है, और दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जिनकी सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट. सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट वाले तो जो है वो इन मामलात को थोड़ा बहुत टैकल करना जानते होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट के खासतौर पर हैं कैंडिडेट्स और एस्पायरेंट्स, उनको बेसिकली इशू ये आता है कि दे फील वेरी नर्वस एंड एंशियस दैट देयर इज टू मच कोर्स. तो इसको कैसे किया जाए टैकल, और एक एक सब्जेक्ट की जो है वो रिकमेंडेड बुक्स वो 10-10, 12-12, 15-15 रिकमेंडेड बुक्स हैं. और तो पूरे साल में जो है वो एक सब्जेक्ट की भी अगर रिकमेंडेड बुक्स पढ़ना शुरू करें तो सारी वो पढ़ सकते हैं. सो देयर इज ए वी, देयर इज ए वे, देयर इज ए की. That key is how to crack this time and how to exploit this time and utilize it and convert it into energy and to do what you want to do and to perform what you want to perform. Usme ye hai ki aapko academies aur baaki logon ko baaki channels pe bhi series bhi ye baat bata chuke hain badi achhi tarah se ki usme hota ye hai ki aapko guide करने के लिए कुछ स्मार्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. ठीक है, इन स्मार्ट ट्रिक्स में से सबसे पहला जो आपका आपके लिए ट्रिक है या टिप है वो ये है कि आप जो है अपनी जो बुलेट नोट्स हैं उनको रेडी रखें. उसके अलावा आप पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करें और सिलेक्टिवली क्वेश्चंस को सिलेक्ट करें. ठीक है, जब आप देखेंगे कि एक सवाल जो फलां फलां साल में आ रहा है, सिर्फ एग्जांपल मैं आपको पॉलिटिकल साइंस की मिसाल देता हूँ कि प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, इनमें से एक सवाल आएगा ही आएगा. ठीक है, इसी तरह जो है मार्क्स, हैकल, इकबाल, खिलदून, इनमें से एक सवाल आएगा ही आएगा. आपके दो सवाल पूरे हो गए क्योंकि आपने जो है पॉलिटिकल साइंस के पेपर ए में जो है सिर्फ दो सवाल अटेम्प्ट करें. इसी तरह जो है आपके पेपर टू के भी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि ब्रिटिश और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो ब्रिटिश प्रेसिडेंट और यूएस प्राइम मिनिस्टर का कंपैरिजन है, ये हो गया. सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गया, चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसके अलावा तुर्किश कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इरानियन जो सिस्टम है और जो कंपैरेटिवली उसको देखा जाता है, तो उनमें से एक सवाल आएगा ही आएगा. तो आपके इस तरह से सवाल पूरे हो जाते हैं. इसी तरह बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में भी ये फिनोमेना वर्क कर रहा है. ठीक है, तो आपने जो है वो स्मार्ट वर्क करना है, और उसके साथ साथ आपने जो अपने एमसीक्यूज तैयार करने हैं वो आप सारे पास्ट के एमसीक्यूज अच्छी तरह तैयार करें. मार्केट में बहुत सारा रेडीमेड मटेरियल अवेलेबल है, मैं किसी भी पब्लिशर का नाम नहीं लूंगा, वट एवर यू लाइक, बहुत सारे पब्लिशर्स का मटेरियल आपके लिए मार्केट में मौजूद है. उसके बाद फिर मैं आपको एक और चीज़ बता, साथ साथ वो ये है कि आपका जो एक और पोर्शन होता है वो होता है एनालिटिकल, आपसे जो है एनालिटिकली क्रिटिकली एग्जामिन करने का कहा जाता है आपको सवाल आ. तो आपने जब क्रिटिकल एनालिसिस करना है सवाल आ का, तो आपने करना उसमें ये है कि सवाल की एसेंस को समझना है. सिर्फ एग्जांपल 2015 में CSS में ऐसे आया, वहाँ हमने धड़ाधड़ जो है वार ऑन टेरर पर लिखना शुरू कर दिया, हालांकि उसमें की टर्म गुरु थी. इसी तरह मैं आपको एक दो और मिसालें भी दूंगा. तो वो था कि वार ऑन टेरर हैज कॉज्ड मोर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देन इट्स प्रोटेक्शन. तो बेसिकली वो वार ऑन टेरर नहीं पूछ रहा आपसे, वो कह रहा है कि आप बताएं कि जो है वार ऑन टेरर की वजह से वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ है या नहीं हुआ, आप फार जाते हैं या अगेंस्ट जाते हैं, आप आर क्यों कहने ऐसे कहते हैं. इसी तरह वो आपसे बाज़ुकात इसमें भी सवाल पूछ लेता है, वो कहता है जी What are the hindrances and challenges to implement the national action plan and
एंड व्हाट आर द प्रैग्मेटिक वे फॉरवर्ड टू मिटिगेट दीज चैलेंजेस. तो इसमें अब आपने नेशनल एक्शन प्लान के जो है वो पॉइंट्स लिखने नहीं शुरू कर देने. यू जस्ट हैव टू इंट्रोड्यूस इन ए स्मॉल पैराग्राफ, जस्ट कम टू द पॉइंट कि उसको इश्यूज, उसको चैलेंजेस, हिंड्रेंसेस क्या आ रही हैं उसमें और उसका सलूशन क्या है. लाइक नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, लाइक इंटरनल इश्यूज हैं, लाइक पॉलिटिकल इश्यूज हैं, नॉट ऑन सेम पेज वगैरह वगैरह, फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं, एक्सटर्नल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस भी इसको थोड़ा वो करते हैं, मतलब कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, आपको फाइनेंशियल एड के लिए ऐसे मुल्कों पर डिपेंड करना पड़ता है जो ये सारा कुछ करा रहे होते हैं बाजू का. तो इसी तरह एक और सवाल मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूँ कि वो कहता है कि राइट ए नोट ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान. अब आपने पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज पे सवाल लिखना नहीं शुरू कर देना, उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है कि ये सिस्टम है, ये पॉलिटिकल पार्टीज है मेजर पाकिस्तान की. जस्ट कम टू द पॉइंट, रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान. उसमें प्रोज भी बताएं, कौन भी बताएं, एक साइड ना बताएं. राइट विद ए न्यूट्रल अप्रोच, अनबायस्ड अप्रोच. और जाहिर सी बात है फिर आप लोग उसको प्रैग्मेटिक वे फॉरवर्ड और एक पॉजिटिव नोट के साथ उसको एंड करना, उसका कंक्लूजन लिखना. इसी तरह से और बहुत से सवाल आते हैं जिन पे मैं आपको बता सकता हूँ कि जी आप, अब आपके दो तरह के क्वेश्चन होंगे. एक आपका जो थ्रेटिकल पार्ट आना है उसमें आप जो है वो सिलेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो आपका आना है एनालिटिकल या क्रिटिकल पार्ट, जो कि सीएसएस में भी बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और इसी की वजह से जो है क्रैमिंग वाले लोग फेल हो जाते हैं. तो उसका तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, यू जस्ट हैव टू इन्हांस योर ऑब्जर्वेशन, यू जस्ट हैव टू जॉट इट डाउन एंड दैट्स इट, देयर इज नो डिफिकल्टी एट ऑल. और उसकी प्रैक्टिस करें, मतलब के. और अच्छा, अभी चूँकि आपके पास 7 दिन हैं, 6-7 दिन हैं, तो यू मस्ट बी स्टार्टिंग विथ एसे एंड प्रेसी. दीज टू पेपर्स आर योर की पेपर्स. इस्लामियात अगर आपकी वीक है तो ऑल्सो गिव टाइम, गिव इट्स ड्यू टाइम, जितना इसको दे सकते हैं इन तीन पेपर्स को. क्योंकि जो बंदा इतना कम्पिटेंट है इन तीनों को पास कर रहा होता है, वो पाक अफेयर, करंट अफेयर और तीसरा जो जीके का आपका पेपर होता है एवरीडे साइंस एंड जनरेबिलिटी या वट एवर नेम इज, अभी इसका क्योंकि नाम चेंज हो चुका है, पहले हमारे दौर में एवरीडे साइंस हुआ करता था. तो आप जो है इन तीनों को तो मिला के आप 120 कर लेंगे, एक आदमी 37 भी आगे, 36 भी आगे, नो वरीज, यू विल गेट थ्रू. लेकिन ऐसे प्रेसी इन दोनों को अपना पूरा पूरा जो उनका ड्यू राइट बनता है वो दें. और आपको एक और विंटेज पॉइंट भी बता दूं ऐसे की तैयारी से, ऐसे की तैयारी आपका पाक अफेयर और करंट अफेयर भी निकलवाता है. क्योंकि जब आप 15-20 नेशनल और इंटरनेशनल मेजर इश्यूज को तैयार कर लेते हैं, 5,000 वर्ड 6,000 वर्ड का पैसे पढ़ के गए होते हैं, 3,000 वर्ड का आपने लिखना है, वहाँ चले 2,000-2,500 वर्ड्स का भी लिखाते हैं आप, अच्छा लिखते हैं, क्वालिटी का लिखते हैं, तो पाक अफेयर में और इसमें तो आपको करंट अफेयर में तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 600-800 वर्ड्स का क्वेश्चन एक अटैम्प्ट करना होता है. ज़्यादा से ज़्यादा पहले सवाल में 1,000 वर्ड का आप अटैम्प्ट कर लेंगे, फिर 800 का, फिर 600 का. तो इसलिए ऐसे और कैसे बहुत अच्छी तरह तैयार करें, ये जो दिन है ये उनको दें. अच्छा, अब फिर मैं आ जाता हूँ आखिरी दिन या आखिरी नाइट या लास्ट डेज. उनमें ये होता है कि बंदे यकीन करें बिल्कुल ही जो है वो, या तो मतलब कि इतना एग्जैक्टली उन पर ओवरकम कर जाती है एग्जैक्टली उन पर सॉरी वो इतना ओवरवेलम हो जाते हैं, या इतना आप कह लें कि ऑब्सेस हो जाते हैं कि दे जस्ट मतलब कि वो रेत की तरह ढेर हो जाते हैं. तो आपने उस वक्त भी इस चीज़ को अब तैयारी देखी, पूरा साल था, 1.5 साल लगाया, जिनकी फर्स्ट अटैम्प्ट है, जिनकी सेकंड है पता नहीं कितना टाइम लगा चुके हैं, जिनकी थर्ड है वो उनसे ज़्यादा टाइम लगा चुके हैं, साथ में बाई एग्जाम भी देते रहे हैं, मतलब PMS भी दे रहे हैं, 1 पेपर टेस्ट भी दे, पता नहीं कितना टाइम दे चुके. सो लास्ट नाइट स्लीप टाइम एंड गेट अप अर्ली मॉर्निंग,
के सुबह जो आप उठेंगे और वो पढ़ के जाएंगे 2-3 घंटे यू विल बी एबल टू रिटेन। बिल्कुल शाम को जाएं, गप शप करें, नॉर्मल रूम फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और पीसफुल रहें। अच्छा, इन दिनों में एक और मसला, अभी चूँकि सोशल मीडिया हर किसी के पास फ़ोन है, मैसेजेस ये हो, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो नेगेटिव और कन्फ्रंटेशन से बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि इट्स योर सक्सेस विच स्पीक्स। फॉर एग्जांपल लाइक न्यूक्लियर, यू नो न्यूक्लियर रिएक्शन, व्हाट न्यूक्लियर रिएक्शन डज, न्यूक्लियर रिएक्शन यही करता है कि वो जब पढ़ता है तो बताता है कि भाई ना हुआ। सो गो विद साइलेंस, डोंट आर्ग्यू विद एनीवन। इस वक्त जो भी बंदा कहता है ना, मैं आपको एक लतीफ़ा सा वो सुनाता हूँ। एक जज साहब के पास जो है वो मुलजिम और मुदई और जो है गवाहान और पुलिस वाले साहब जो है वो मतलब कि पेश हुए, तो जज साहब ने मुलजिम मुदई का मौक़िफ सुना, फिर जो है वो मुलजिम का मौक़िफ सुना, फिर गवाहों का मौक़िफ सुना, फिर पुलिस वाले। मुलजिम से कहा जी कि, मुदई से कहा कि जी बिल्कुल ठीक है आप बजा कह रहे हैं, मुदई से कहा जी बिल्कुल ठीक है आप बजा कह रहे हैं, और जब गवाहों का मौक़िफ़ सुना तो उन्होंने कहा आप सब भी ठीक कह रहे हैं। तो बात यह है कि ये ऐसी स्टेज है कि अगर इफ़ यू फील मेंटल एग्नी और एंग्जाइटी और सम काइंड ऑफ, आपकी सारी तैयारी, आपका सारा वहाँ आपने पेपर में बैठ के पीस ऑफ माइंड से क्रिएट करना और प्रोड्यूस करना है, जिस तरह के पेपर आजकल आ रहे हैं, एनालिटिकल और क्रिटिकल किस्म के पेपर, तो उस प्रोडक्शन के लिए आपका जो माइंड है वो पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं तो उस वक्त फ़ोन भी जो है वो एरोप्लेन पर कर दिया करता था, कि बस एक आध सेल फोन नंबर था जो फैमिली मेम्बर्स और क्रिमिनल के पास था, चार पास, बस फ़ोन ही एरोप्लेन ना किसी की सुनो ना किसी को सुनो। तो ये एक बहुत कॉमन फैक्टर आएगा आप लोगों के पास, तो इसलिए आप इसको टैकल करें। बाकी इंशाल्लाह ताला आई विल कीप अपडेटिंग हाउ टू अटेम्प्ट, व्हाट टू डू इन पेपर, व्हाट नॉट डू, क्या करना है, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा क्योंकि अभी नेक्स्ट सेशन भी स्टार्ट होगा, तो उसके उस हवाले से भी इंशाल्लाह बिगिनर्स के लिए कि बिगिनर्स को प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं, सो आई विल बी शेयरिंग विद देम। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ जो है वो बहुत ही जल्द आ जाएंगी। जस्ट कीप प्रेइंग फॉर मी एंड कीप वॉचिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड।